बनना पड़ेगा 3 साल से, हाँ 3-4 साल से हर फैक्ट्री बन जाती है। अगर जगह नहीं थी तो नहीं बनाना हर फैक्ट्री। 4 साल से हम देख रहे हैं कि आज बनेगा, आज बनेगा, कल बनेगा। आज तो आपने इन लोगों ने हमें मजबूर पूरी पढ़ाई नहीं होती। कल बारिश थी, सारे बच्चे बाहर बैठे थे, उनकी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही थी। छाता लेकर खड़े हुए थे बाहर ग्राउंड में। बच्चों को बैठने में इतनी तकलीफ है कि आधे बच्चे फिर उनको घर भेजना पड़ता है। हमारे स्कूल में 4 साल हो गए हाई सेकेंडरी बने हुए हैं, लेकिन आज तक कभी हमको बिल्डिंग नहीं बना के दी। डीसी दफ्तर तक गए, डीडीसी तक गए, उन्होंने हमने उनके पास कंप्लेन रखी अपनी। उन्होंने कहा 1 साल में 6 महीने में 1 हफ्ते में आपके साथ काम शुरू हो जाएगा, लेकिन 4 साल हो गए अभी तक कोई काम नहीं शुरू हुआ। अभी 15 अगस्त को यहाँ पे आए थे हमारे सरपंच साहब और डीडीसी आए थे, उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते में आपका काम शुरू हो जाएगा। यहाँ उन्होंने अपने खाते से 1-1.5 लाख रुपये दिए हैं, 1 हफ्ते में काम शुरू हो जाएगा। ज़्यादा टाइम हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। ठीक है, हमने उनको फिर से बोला, कहते कोई बात नहीं, आपकी फाइल चल रही है, काम हो जाएगा। ऐसे करते करते 4 साल हो गए, अभी तक कभी हमारा काम नहीं हुआ। बच्चों को अगर कहना हो कि स्कूल आओ, बच्चे घर से नहीं निकलते हैं। बारिश हो तो अगर एक क्लास में फिर एक डेस्क पे 4-4 बच्चे बैठते हैं, इतने छोटे छोटे कमरे हैं, एक क्लास में 100 से 100+ बच्चे हैं, एक डेस्क पे 4-4 बच्चे बैठते हैं, बाकी बाहर जो छोटे बच्चे हैं वो बाहर बारिश में भीग रहे हैं, कोई धूप में बैठे हैं। जब हम पूछे तो उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, वो कहते हैं नहीं आपकी फाइल चल रही है, बस इतनी बात होती है, हमको बाहर निकाल दिया। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमको हाई सेकेंडरी में बिल्डिंग चाहिए, इन बच्चों के लिए थोड़ी रिपेयरिंग चाहिए स्कूल की, ये अगर ज़्यादा बारिश हुई तो ये बिल्डिंग टूट जाएगी। जैसे आप हो ना, कभी हम भी स्टूडेंट हैं, मैं मान सकती हूँ कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, उसका असर तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक जगह कोई लॉट कराते कराते टाइम लगेगा, आपकी बिल्डिंग बनने में टाइम लगेगा। अभी उसका हल क्या है, कोई भी अगर आस पास कोई बिल्डिंग है रेंट में बिल्डिंग लगे ताकि आपकी स्कूल की स्टडी चले। इसी हफ्ते आपको जो है वो शिफ्ट करवाया जाएगा, आप स्टडी करवाई जाएगी। मैं बोल रही हूँ अगर ऐसा नहीं होगा आप यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करो। आप एक स्टूडेंट हो, मैं रिटर्न में लिख देती हूँ, सीओ साहब भी आ रहे हैं, ये मत सोचिए कि नहीं आ रहे हैं, सीओ साहब भी आ रहे हैं। मैंने उनको बोला ये कार्रवाई आज ही आज होनी चाहिए, आपके फ्यूचर के साथ भी कोई आप लोग जो मतलब हमारा नेशन कैसे आगे बढ़ेगा, जो हमारा राष्ट्र कैसे बढ़ेगा, तभी बढ़ेगा ना जब आप पढ़ाई करोगे, एजुकेशन अच्छी गेन करोगे। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, मैं भी आपको रिटर्न में दे सकती हूँ, सीओ साहब भी आपको रिटर्न में देंगे, आपका जो शिफ्ट किया जाएगा आपकी एजुकेशन के साथ कोई भी बात नहीं। Oh, my God.
चाहिए थी कि ये हाई सेकेंडरी है, यहाँ पे जो है वो प्रॉपर वे में एक बिल्डिंग होनी चाहिए, बच्चों को बाहर बैठना पड़ता था। तो उसी लिए इन्होंने ये प्रोटेस्ट किया, इस प्रोटेस्ट का हमें पता भी नहीं था। तो अभी सीओ साहब से बात हुई है, तो हमने उनसे डिमांड की है कि रेंटेड बिल्डिंग जो इमीडिएटली ले ली जाए ताकि बच्चे जो वो बाहर सफर ना करें। तो उन्होंने बोला यहाँ पे पास में एक प्राइवेट स्कूल जो है वो खाली है, उसके 7 रूम है, हॉल भी है, तो वो रेंट लेने के लिए जो है वो रेडी। क्या क्या डिमांड थी बच्चों की यहाँ पे? बच्चों की डिमांड ये थी कि हमें रूम जो है वो उनकी अवेलेबल हो, और साथ में उसके साथ जो है वो हमारी स्टडी जो है वो कंटिन्यू वहाँ पे किया थी। देखो जी, आपके माध्यम से हमने बच्चों को भी बोल दिया, हम इस पे काम कर रहे थे। इसमें ये हमारे संज्ञान में है कि प्रॉब्लम जहाँ न्यू अपग्रेडेड हाई सेकेंडरी है जिसमें स्ट्रेंथ भी 400 के करीब है, तो मैंने 2 बार पहले भी विजिट किया और ये प्रॉब्लम चल रही थी। हमने 9 करोड़ 14 मरले लैंड को आइडेंटिफाई करवा लिया रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, उसका आइडेंट भी हमने डैक साहब से करवा लिया है और वो लैंड हमने टेक ओवर कर रही है। उसका प्रोजेक्ट जो है वो हम एक्शन R&B को दे रहे हैं, और मीन टाइम वो 10 कमरों का 3x5 अपर स्टेयर वो बनाने के लिए हमें अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं बहुत जल्दी। और उनके लिए हमने सरंच मैडम से और हमारी DDC मैडम डॉक्टर सुनीता जी से हमारी बात हुई थी। बच्चों का कोई फिलहाल कोई टेम्पररी अल्टरनेटिव, जैसे सरंच साहब ने हमें 2-2.5 लाख रुपए शेड के लिए दिया है, जिसका शेड का काम 1-2 दिन में लगने वाला है। ये बच्चों को हमने ब्रीफ कर दिया और बच्चे इस पे थोड़ा हमारे साथ कन्विंस हो गए हैं कि टेम्पररी अगर हमें कहीं रेंटेड पे बिल्डिंग मिलती है तो उसके लिए भी हमने डॉक्टर साहब से डेलीबरेशन हो गई है। वो कह रहे हैं कि अगर वर्दी डैक्स स्कूल एजुकेशन के अगर वो आपको मिलती है तो उसके अकार्ड के लिए मुझे भेजो, थोड़े बच्चे हम उधर शिफ्ट करते हैं। बट ये पब्लिक ओपिनियन है, अगर पब्लिक इसमें हमें साथ देगी तो तभी ये हल होगा। अगर पब्लिक ना मानेगी किसी भी विंग को वहाँ शिफ्ट करने के लिए, चाहे वो रेंटेड बिल्डिंग है चाहे वो प्राइवेट स्कूल है, नियर बाई एक प्राइवेट स्कूल भी है जहाँ स्ट्रेंथ कम है, हम कोशिश कर रहे हैं जिस पे भी हमारी आम राय पब्लिक के साथ और PRI के साथ बनती है और कंसर्न स्कूल मैनेजमेंट का, मैं आज ही बैठ के इसका हम हल ढूंढ के थोड़े से बच्चे वहाँ शिफ्ट करते हैं ताकि जहाँ से थोड़ा कंजेशन जो है वो कम हो जाए और बच्चे भी अकोमोडेट हो जाए। और इसके लिए हम काम कर रहे हैं और बच्चों को हम अभी ब्रीफ करने वाले हैं पूरी डिटेल। और ये बिल्डिंग का मैटर जो है, जो नई बिल्डिंग बननी है उसमें यह है कि उसमें इट विल टेक टाइम। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड पब्लिक है जहाँ बसंतपुर की, कि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे ही आपको पता है प्रोसीजर थोड़ा लेंथी है, उसमें पहले अप्रूवल तो अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर उसमें अकार्ड होगा और उसके बाद फिर टेंडर लगेगा। सर, इस स्कूल की एनरोलमेंट कितनी है? इस स्कूल की एनरोलमेंट है 385 बता रहे हैं मुझे अभी जी। और स्कूल कितने अवेलेबल है इस समय, कितने इसमें रूम अवेलेबल है? अभी तो हमें 6-7 ही कमरे हैं। तो सर, जिस तरह से बरसात का मौसम चल रहा है, पीछे क्लासेस लगाने कॉरिडोर में हम क्लासें लगा रहे थे अभी, इसलिए अभी छेड का मैंने कह दिया आपको कि जो छेड पंचायत मैडम ने पैसे हमें दिए हैं अपनी अपने फंड से, उसके लिए हम थोड़ा सा शेड भी बना रहे हैं 10-20 मीटर लंबा, उसके लिए भी 1-2 क्लास वहाँ ओपन में अकोमोडेट हो जाएगी। तो फिलहाल इसका देखते हैं कि अगर वो नियर बाई स्कूल में प्राइमरी विंग शिफ्ट हो जाता है हमारा, अगर पब्लिक ओपिनियन बनता है तो इसमें हम वो भी काम करेंगे टेम्प्रेरी फेज पे, जब तक इनकी बिल्डिंग नहीं बनती है वो। और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मेरा नाम पल्लवी शर्मा है और मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ। है ही नहीं एक रूम नहीं बैठने के लिए, एक क्लास मतलब कि 12th क्लास और 11th क्लास सेम ही पढ़ रही हैं। जो वो पढ़ रहे हैं वो हमें भी वही पढ़ा रहे हैं वो भी। तो कल बारिश थी, कल सारे अम्ब्रेला के बैठे थे, कोई भी नहीं था, मतलब कि कोई किसी कुछ ने बोला कि अंदर बैठो कि हुआ कुछ नहीं हुआ, सारे हम बाहर बैठे थे और ना एक पीरियड लगा जो बारिश थी हमारी, फिर कोई पीरियड लगा। तो कितनी सफर हो रही है जिस तरह से ये मौसम चल रहा है बरसात का, उसकी वजह से कितनी क्लासेस जो है, कितनी पढ़ाई आपकी सफर हो रही है? हमारी सब हो ही नहीं रही, बस 1 या 2 पीरियड जितने तक बारिश नहीं हो रही है बस उतना तक। अच्छा, पिछला जो सीजन गया पूरी तरह से बारिशों का गया है, ऐसे में क्लासेस रूटीन में नहीं लगती थी या रोटेशनल बेसिस पे लगती थी? आते नहीं थे, वो कहते बारिश है कहाँ बैठना है क्या करना है स्कूल जाके, बैठ सकते हैं घर पे। मैं भी आई थी 2-3 दिन में भी नहीं जब बारिश थी, क्योंकि पता था कि बारिश है, पढ़ना तो है ही नहीं कुछ भी, पढ़ाना तो इन्होंने है ही नहीं कुछ। फिर क्वार्टर सेशन जो है वो इस समय निकल चुका है, आपको भी पता है कि अब हाफ ईयरली एग्जाम जो है अगले 1-2 महीने तो ऐसे में बच्चों की तैयारियां कितना सिलेबस अभी तक कवर हो पाया? हमारा तो हुआ ही नहीं अभी कवर, हमें तो स्टार्ट भी नहीं किया क्वेश्चन, बस एक है 1-2 चैप्टर करवा दिए हैं इंग्लिश के, बाकी कुछ भी नहीं किया है। तो हमारी क्लासेस में लगती टीचर हमारे बिल्कुल अच्छा पढ़ाते हैं, टीचर हमारे बेस्ट है, बस पढ़ाई वो जगह की प्रॉब्लम है, बाकी सब टीचर बेस्ट है। कितनी समस्या हो रही है आपको जिस तरह से? बड़ी ज्यादा, एक दिन बारिश में आई थी तब क्लास से टीचरों को क्या कसूर, टीचर कहाँ बैठाएंगे हमें। तो इससे पहले ये अपने समस्या अधिकारियों को बताइए या टीचर्स के थ्रू कहीं ऊपर बताया गया कि ये बच्चे बोला कि हमें दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दो, तो बोल रहे कि सिग्नेचर करके चले गए हम फाइल में, तो बस आप ये हफ्ता पढ़ लो या वीक पढ़ लो फिर हम दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर रहे हैं। आज आप लोगों को रोड पर क्यों उतरना पड़ा? क्योंकि रोड पर तो उतरना पड़ेगा 3-4 साल से हर सेकेंडरी बनी जाती है, अगर जगह नहीं थी तो नहीं बनाना हर सेकेंडरी। 4 साल से हम देख रहे हैं कि आज बनेगा कल बनेगा, आज तो आपने इन लोगों ने हमें मजबूर
कर दिया। आसपास के कितनी दूर दूर के इलाकों से, कौन कौन से इलाकों से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं? बड़े दूर, 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 दूर,